हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा एक्सप्रेस टी। वैसे आप लोगों को लग रही होगी ये टिगोर है, बट टिगोर नहीं है, ये एक्सप्रेस टी है जो कि टाटा ने लॉन्च करी है कॉमर्शियल यूज़ के लिए। ये टैक्सी में बहुत ज़्यादा आपको चलती हुई दिख जाएगी। अगर आपने दिल्ली कभी ट्रैवल किया हो तो बहुत ईजिली वहाँ पर जो है वाइड वेराइटी में आपको ये देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं, ये जो है एक्सप्रेस टी क्या कुछ डिफरेंस ऑफर करती है जो रेगुलर टिगोर ईवी आती है उसके कंपैरिजन में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी की बात करें तो एक ही वेरिएंट जो है इसके अंदर आता है, तो चाबी भी आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह नहीं आती है, मैनुअल चाबी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। दो सेम जो है चाबी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। वेरिएंट भी नहीं आता, सिर्फ एक ही मॉडल आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्रेस टी नाम से जो है ये आती है। बात करें इसके शोरूम प्राइस की, तो ये वाली कॉस्ट करेगी आपको 13,04,000 रुपए। एक ही मॉडल आता है तो यही कॉस्टिंग आपको देखने को मिलती है। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, ये आपको कहीं भी नहीं ऑनलाइन वगैरह किसी वेबसाइट वगैरह पे मेंशन किया हुआ है इस वेरिएंट के बारे में या कितने रुपए की ऑन रोड कॉस्ट करती है। ये डीलरशिप लेवल पे ही जो आपको देखने को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट में आपको क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो रेगुलर टिगोर आती है, बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है, बट क्या कुछ नहीं मिलता है आइए बात करते हैं। सेंटर में बात करें तो सेम जो है टाटा का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है कार को चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर दो चार्जिंग पोर्ट आते हैं, एक बार मैं जब अनलॉक करूंगा आपको दोनों दिखा दूंगा। ग्रिल वगैरह की बात करें, बिल्कुल सेम देखने को मिलती है जो नॉर्मल टिगोर आती है। ब्लू इंसर्ट दिए गए हैं, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ये ईवी है। ईवी की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बात करें तो रेडिएटर ग्रिल जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। फ्रंट से कभी कार खराब हो जाए तो यहाँ से आप जो है कार को टो भी कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो फॉग लैम्प वगैरह का कोई भी ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर सेटअप में जो है हेडलाइट आएगी, इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, डीआरएल्स वगैरह का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और सिर्फ व्हाइट कलर के अंदर आपको जो है ये देखने को मिलेगी, कोई भी अदर कलर जो है ऑप्शन नहीं आता है इसके अंदर। दो वाइपर दिए गए हैं, दो वॉशर्स देखने को मिलेंगे, प्लेन रूफ जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड से कंप्लीट देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे तो एक बार में आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये नॉर्मल टिगोर है या फिर एक्सप्रेस टी है। मोस्टली दिखती टिगोर जैसी है क्योंकि बॉडी टिगोर वाली है इसके अंदर। ईवी की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंस है, फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा अलग है रेगुलर टिगोर के कंपैरिजन में। टायर वगैरह की बात करें तो टायर बिल्कुल सेम आते हैं, सेक्शन भी आपको सेम देखने को मिलेगा। 175/65 और 14/14 इंचेस का जो है इसके अंदर रिम इंस्टॉल्ड है। टाटा का लोगो मिलेगा। व्हील कवर जो है इसके साथ ही आते हैं, आगे डिस्क ब्रेक आएंगे, पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। एबीएस सीवीडी जो है स्टैंडर्ड आता है वो सेफ्टी नॉर्म्स है इस वजह से। सस्पेंशन की बात करें तो बिल्कुल सेम देखने मिलता है, कोई भी फर्क नहीं है। सस्पेंशन आगे MacPherson आते हैं, पीछे आपको कपल टॉर्जन बीम एक्सल के साथ जो है सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। ओआरवीएम्स की बात करें तो मैनुअल मिरर आता है, इंटरनल एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाली डंडी से आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। और डोर हैंडल की बात करें वो मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलेंगे, ये भी आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलती है। और एंटीने वगैरह की बात करें तो वो आपको वायर्ड में एंटीना जो है देखने को मिलेगा। और सेकंड चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, जब अनलॉक करूंगा तब आपको सारी डिटेल्स जो है चार्जिंग वगैरह के बारे में बात बताऊंगा। फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ही आती है। पीछे से देखें तो पीछे से कंप्लीट कार आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखें तो टाटा का लोगो दिया गया है, एक्सप्रेस टी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ईवी की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा रेगुलर टिगोर ईवी के कंपैरिजन में। ये जो ईवी है पावर्ड बाय एलेंट्रा ईवी की तरफ से जो है इसका पावर ट्रेन दिया गया है। नॉर्मल ईवी की बात करें जो रेगुलर वाली आती है टियागो टिगोर और नेक्सोन की, उसमें जो है जिप्ट्रॉन जो है पावर सप्लाई या उसके जो है ईवी के पार्ट वगैरह बनाता है, बट ये वाली जो ईवी है ये एलेंट्रा वालों ने जो है कोलेबोरेशन में बनी है। अब बूट अनलॉक करके देखते हैं एक बार। सो पीछे सेंसर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आगे से ही जो है अनलॉक कर सकते हो आप इसको। एक बार मैं दिखाता हूँ, सेम बूट में हाइड्रोलिक स्टार्ट वगैरह जैसे रेगुलर टिगोर में आते हैं वही सेम चीज़ है। कवरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 255 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील यहाँ पे प्लेस किया गया है, चार्जिंग वगैरह की केबल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, टूल किट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और नीचे और कोई ऑप्शन नहीं आता है इसके अंदर, मैं कोशिश करता हूँ एक बार। तो ओवरऑल पूरी कार जो है पैक्ड है, इसके नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, बैटरी वगैरह इंस्टॉल्ड है। और लगेज लैंप वगैरह का भी ऑप्शन जो है नहीं देखने को मिलता है। पीछे सेफ्टी में बात करें तो दो सेंसर्स मिलेंगे, दो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, सेफ्टी लाइट दी गई है कि नहीं वो एक बार देखते हैं, तो वो नहीं मिलेगी। और नीचे से देखें तो नीचे से एक बार देख लो, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इसकी बैटरी। कैपेसिटी वगैरह पे अभी आएंगे, बेसिकली मैं पहले आपको एक्सटीरियर दिखा देता हूँ फिर इसके इंटरनल डिटेल्स पे चलेंगे। टेल लाइट्स की बात करें तो सेम दिखती है मोस्टली, बट रिफ्लेक्टर सेटअप जो है आपको टेल लाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, एंटीना यहाँ पर प्लेस किया गया है। रियर विंडशील्ड की बात करें डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता, वाइपर तो वो मिलेगा ही नहीं। तो राइट साइड से देखें तो राइट साइड से भी बिल्कुल देखने को मिलती है। डायमेंशन वगैरह भी बिल्कुल सेम है, लेंथ
की बात करें तो 3.99 मीटर की जो है आपको इसके अंदर लेंथ देखने को मिलेगी, और हाइट की बात करें तो 1.5 मीटर की जो है आपको हाइट देखने को मिलेगी, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 176 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सो एक्सटीरियर में ओवरऑल एक्सप्रेस टी के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब मैं आपको सबसे पहले इसके चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसकी बैटरी स्पेक्स के बारे में बात बताऊंगा। यहाँ से जो है आप इसका अनलॉक कर सकते हैं चार्जिंग पोर्ट को, जैसे ही खींचेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। सो पहला ऑप्शन दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, दोनों चीज़ मैंने अनलॉक कर ली हैं। चार्जिंग पोर्ट के नाम वगैरह की बात करें तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी कम डिटेल मालूम है, बट मैं आपको दिखा देता हूं ओवरऑल चार्जिंग पोर्ट जो है कुछ इस तरीके से, क्योंकि कहीं भी जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। पहले चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे हाई वोल्टेज वगैरह का करंट वगैरह की बेजिंग जो आपको इसके पढ़ सकते हो। अब मैं आपको इसका चार्जर और दिखा देता हूँ, फिर इसके फ्रंट चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करेंगे। चार्जर देखो तो एक बार देख लो, चार्जर आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये टाइप वन वाला चार्जर है और ये थोड़ा सा अलग तरीके का चार्जर है, इसको मैं दिखाता हूँ आप कहाँ पे जो है इंसर्ट करोगे, जो फ्रंट पे मैंने आपको बताया था उसके लिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ही आप इस वाले लीवर को खींचोगे इस तरीके से जो चार्जिंग पोर्ट अनलॉक हो जाएगा, फिर आपको ये रेड वाला बटन दबाना है और इस तरीके से जो खुल जाएगा। ये टाइप वन वाला चार्जर जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, दो तरफ से आप जो है इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग स्पीड की और बैटरी की। सबसे पहले बैटरी बता देता हूँ, बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है सिंगल ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि है 25.5 किलोवाट आवर की बैटरी जो है इसके अंदर आती है। जिसकी चार्जिंग स्पीड वगैरह की बात करें तो डीसी फास्ट चार्जिंग वगैरह तो आती नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी। अगर आप इसको एसी टाइप 2 वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो 0 to 100 ऑलमोस्ट 11 घंटे लगेंगे, और अगर आप इसको 0 to 80% जो ये वाला चार्जर है इधर वाले से चार्ज करोगे तो लगभग आपको 145 मिनट जो है लगने वाले हैं पूरी कार को चार्ज करने के लिए, जो कि 15 किलोवाट वाला चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे तो। और मैक्स स्पीड की बात करें तो ये सिर्फ 80 तक की स्पीड पे जो जाती है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से जो है मैक्स 80 तक जो है लिमिट किया हुआ है, वैसे और भी जा सकती है। रेंज की बात करें तो सिंगल चार्ज में ये लगभग आपको जो है कंपनी जो क्लेम कर रही है 270 किलोमीटर की जो है रेंज दे देगी, क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी सी बड़ी आती है नॉर्मल टिगोर के कंपैरिजन में, 24 की आती है, इसके अंदर आपको 25.5 किलोवाट आवर की बैटरी जो है देखने के लिए मिलती है। So, overall, exterior में ये सारी चीजें थी, टायर वगैरह की बार बता दिया मैंने। अब एक बार अंदर चल लेते हैं, पीछे एक बार मैं पीछे से दिखाता हूं, क्योंकि मोस्टली जो पैसेंजर है वो पीछे बैठेंगे। तो डोर ट्रिम वगैरह तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, बेसिक सी ऑलमोस्ट कार है। चार स्पीकर का जो है म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। डोर हैंडल यहाँ पे दिए गए हैं, सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे आएगा, मैनुअल सेंटर लॉकिंग आती है, पावर विंडो का स्विच यहाँ पे दिया गया, नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाएगा। सीट्स वगैरह की बात करें तो फैब्रिक सीट्स का जो है ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आएंगे, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आती है, और आगे की सीट की बात करें तो उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अंदर चल के देखते हैं, डोर थर्ड तो आपको सेम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट सेम है रेगुलर टिगोर के कंपैरिजन में। 4-स्टार सेफ्टी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। फ्रंट से डैशबोर्ड देखें तो इस एक्सप्रेस टी का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, अभी आगे चलेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में एक जो है आपको LED बेस्ड लाइट दी गई है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है पीछे भी देखने को मिल जाएंगी, और पीछे वाले पैसेंजर के लिए जो है लैप बेल्ट दी गई है। वैसे इसके अंदर पीछे दो ही पैसेंजर जो है बैठेंगे, क्योंकि टैक्सी में मोस्टली चलने वाली है, बट बीच में आपको हेडरेस्ट जरूर से दिया गया है। तो ओवरऑल पीछे यही सारी चीज़ें थी। चार्जिंग पोर्ट वगैरह की बात करें तो वो नहीं आता है, ना ही कोई पॉकेट वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि कॉमर्शियल यूज़ है तो पॉकेट वगैरह का क्या ही करना है वैसे। तो पीछे मोटा मोटा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं फाइनली ड्राइवर साइड से, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा इस एक्सप्रेस टी के अंदर। अब देखो लुक एंड वाइज बात करोगे डैशबोर्ड वगैरह की और डोर हैंडल्स पावर विंडो स्विचेस की, तो वो बिल्कुल क्योंकि सेम टिगोर जैसी है तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट टिगोर ईवी से अलग क्या है, सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अलग देखने को मिलेगा, एक बार ऑन करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। स्टीयरिंग व्हील बात करें सेम दिखता है, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं आएंगे, सेंटर में टाटा का लोगो दिया गया है। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर बात करें तो बहुत बड़ा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें गियर लीवर का। सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और अगर आपने रेगुलर वाली टिगोर की वीडियो देखी होगी मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर जो है रोटेटेबल वाला जो है ड्राइव ट्रांसमिशन आता है। मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेंगे, दो कप होल्डर्स दिए गए, सेम सेटअप जो है नॉर्मल टिगोर जैसा आता है, टियागो में भी मैंने कई बार इसको दिखाया है। USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, 12V का पावर आउटलेट दिया गया है, और ऑटोमेटिक AC आता है इसके अंदर, जो कि अच्छी चीज है। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो बेसिक सा इंफोटेनमेंट जो है देखने को मिलता है, FM, USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। दो AC वेंट दिए गए हैं, हैज़ार्ड टर्न ऑफ करने के स्विच यहाँ पर मिलेगा, मैनुअल मिरर आता है, डिमिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर आएगा ऊपर, माइक का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर बात करें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ग्रैब हैंडल दिया गया है।
और अपने ग्लोबॉक्स की बात करें तो ग्लोबॉक्स जो आपको छोटा देखने को मिलेगा, रेगुलर वाली जो टिगोर आती है उसमें बड़े साइज का ग्लोबॉक्स आता है। वैसे इसका कोई यूज़ भी नहीं है, कॉमर्शियल में इतना कोई यूज़ नहीं होता है। और मिरर का एडजस्टमेंट की बात करें तो वो मैंने आपको दिखाई दिया था, एक सेकंड आप फिर से देख लो। तो ये चीज़ है, अब अंदर से स्टार्ट करते हैं असली डिटेल्स की, जो कि इसके अंदर आपको डिफरेंस मिलती है रेगुलर टिगोर की। चाबी आप यहाँ पर लगाएंगे और जैसे ही घुमाएंगे तो चाबी जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ऑन हो जाएगा। सो एनालॉग सेटअप आता है पूरा, यहाँ पे जो है बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाता है, SOC लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगी कि कितने परसेंट जो है बैटरी फिलहाल चार्ज है, फिलहाल 80% जो है ये दिखा रहा है। और स्पीड वगैरह की बात करें तो 140 तक की मार्किंग दी गई है, बट ये लिमिट जो है 80 तक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं टैक्सी वगैरह में उसमें जो है मैक्सिमम 80 तक की स्पीड जो है लिमिट में आती है। बीच में बात करें तो 3 inches की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आएगी, जिसमें कि आपको ट्रिप ए ट्रिप बी के इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर रीडिंग्स और बैटरी वगैरह कितनी चार्ज है वो यहाँ पे भी दिखा देता है। नीचे 2 buttons दिए गए हैं जिससे आप ट्रिप बी ट्रिप ए और टेम्परेचर वगैरह जो है चेंज कर सकते हो, टाइम वगैरह दिखा देगा और 21 दिन में सर्विस आने वाली है इसकी वो दिखा रहा है। और सेट वाले बटन से देखें तो यहाँ पे आप जो है डेट वगैरह को चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको बेसिक सी देखने को मिल जाएंगी। एक ही मोड आता है इको, वो आप यहाँ पे देख लो, कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मैं जो है आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार, जैसे आप चाबी को रेगुलर की तरह घुमाएंगे तो गाड़ी जो है ऑन हो जाएगी। फिलहाल अभी ये न्यूट्रल पे है, एक बार मैं आपको ड्राइव पे डाल के दिखाता हूँ, जस्ट इतना प्रेस करना है और ड्राइव पे आ चुकी है। और जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा गाड़ी जो है चलने लगेगी, स्पीड आपको दिख रही होगी, ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। और जैसे ही मैं इसको पीछे इधर स्लाइड करूंगा तो ये रिवर्स में आ जाएगी, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये चलने भी लगेगी। तो ये चीज़ें थी, बट अगर आपको इसमें स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, मैंने ड्राइव पे डाली हुई है और इको मोड दिखा रहा है, बट अगर मैं इसको पैडल को एक्सीलेटर वाले को थोड़ा सा हार्ड प्रेस करता हूँ, एक बार आपको सामने देखना, देखो स्पोर्ट मोड अपने आप ही आ जाएगा इसका, तो ऑटोमेटिक जो है चेंज होता रहता है, ये अच्छी चीज़ है, कहीं कभी ऊपर वो चढ़ानी वढ़ानी पड़े तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन सारी चीज़ों में। टॉर्क वगैरह की बात करें उसके लिए मैं अभी आऊँगा बोनेट वगैरह पे, तो इंटीरियर में तो मोटा मोटा ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्रेस टी के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं बताता हूँ डिटेल जो इंटरनल बोनेट के अंदर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। चाबी को रख देते हैं अपनी जगह पर। बोनेट सेम तरीके से ही खुलता है, इसमें कोई भी अलग चीज़ें नहीं है। सो अब मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर करता हूँ। एक बार आप जो है इसका ओवरऑल बोनेट का एरिया देख लो, बहुत बड़ा फर्क जो है आपको देखने को मिलेगा। पावर्ड बाय इलेंट्रा ईवी इंडिया की सारी बेजिंग हर जगह पे जो की हुई है, प्लूरी कवर्ड है। अब बात करते हैं इंटरनल स्पेक्स की, तो यहाँ पे जो मोटर यूज़ की हुई है वो इंडक्शन मोटर है, 3-phase इंडक्शन मोटर। यहाँ पे आपको 72 volt की 3-phase इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगी, जो की रेगुलर वाली से अलग है। उसके अंदर आपको जो है सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है, वो सिंगल फेस है, बट ये जो है 3-phase आपको इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगी। पावर वगैरह मैंने आपको बता दी, ऐसी कोई ज्यादा मेंशन नहीं है, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। पोर्ट मोड पे चलाओगे तो इसकी जो है पावर है मैक्सिमम 31 kW की, और ड्राइव मोड की बात करें तो 19 kW की जो मैक्सिमम आउटपुट जो है डिलीवर कर सकती है ये जो 3-phase इंडक्शन मोटर है। टॉर्क वगैरह मैंने सारी चीजें बता दी, बैटरी कैपेसिटी भी बता दी, और इसकी वारंटी वगैरह की बात करें तो इसके अंदर आपको 125,000 kilometers और 3 years की जो है वारंटी आती है ओवरऑल कार पे। स्पेशली बैटरी पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, आई थिंक मुझे लगता है वो सेम ही है, 160,000 kilometers और 8 years की, क्योंकि इसकी रनिंग ज्यादा है तो इसकी बैटरी की एज सच कोई वारंटी वगैरह मेंशन नहीं की हुई है। और चार्जिंग स्पीड वगैरह भी मैंने आपको सारी बता दी, अगर टाइप 2 से चार्ज करोगे तो लगभग इसको जो है 11 घंटे लगने वाले हैं, और उस वाले चार्जर से फास्ट चार्जर वाले से चार्ज करोगे तो उससे लगभग 145 मिनट लगेंगे 0 to 100% चार्ज होने में अपनी एक्सप्रेस टी को। तो ये थी आज की वीडियो एक्सप्रेस टी के बारे में, कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, मिलेंगे ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो।